सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग अवर जेई एडवांस कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स दैट विल बी फॉर जेई 2026 एस्पिरेंट्स, एंड दिस विल बी अ कंप्लीट 2 ईयर लॉन्ग कोर्स, एंड ईच एंड एवरी डिटेल आई विल बी डिस्कसिंग थ्रू आउट इन दिस वीडियो राइट नाउ। तो अगर आप जेई एडवांस 26 के एक सिंसियर बच्चे जो अभी से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हो सेफ हैंड्स में, ठीक है, करेक्ट मेंटोरशिप के साथ, अगर आप अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हो केमिस्ट्री की, तो बिल्कुल वीडियो को पूरी देखें। जो बातें हैं जिस तरह से बताई जाएंगी उसको कोशिश करिएगा फॉलो करने की, देन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे रैंक के साथ फिनिश करेंगे अगर आप कही गई बातों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट्स जो हैं कोर्स से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले कोर्स के लिए आपको कैम आईआईटी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप का लिंक और इवन कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से अभी जाकर पहले तो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं फॉर 24 एस्पिरेंट्स, 25 एस्पिरेंट्स, बहुत से अच्छे बच्चों को हमने पढ़ाया है और बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक्स भी प्रोड्यूस किए हैं रीसेंट ईयर्स में हमारे कोर्सेज के साथ। अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता दूं दैट वी टीच स्पेसिफिकली फॉर जेई एडवांस और पूरी तरह से एडवांस ओरिएंटेड ही होते हैं हमारे कोर्स, एंड ऑब्वियसली दे विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ जेई मेन्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऐप आपको इंस्टॉल करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसके बाद आपको जेई एडवांस कंप्लीट केमिस्ट्री 2026 ये कोर्स है और इसकी हम अभी करेंगे डिटेलिंग। तो पहली चीज तो ये है कि क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी। मैं आपको पूरे चैप्टर का डिटेल बताऊंगा, किस डेट तक हम कौन सा चैप्टर कर लेंगे वो सभी चीजें आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो लाइव क्लासेस होंगी एंड लाइव क्लासेस विल बी एट 5 o'clock। बहुत अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है सभी के लिए। 5 o'clock ऑब्वियसली इवनिंग, दैट इज 5 PM आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड 1 hour की क्लास होगी। ठीक है, 1 hour की क्लास होगी एंड दिस विल बी ऑन अल्टरनेट डेज, दैट इज MWF देर विल बी क्लासेस। तो ये तो हुई क्लासेस की बात। क्लासेस कब से शुरू होगी? पहले मैंने 8 अप्रैल से शुरू करने को सोचा था, बट अभी वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 15th of April 2024। सो इस डेट से वी आर गोइंग टू हैव अवर फर्स्ट लाइव क्लास। ओके, वी आर गोइंग टू अवर टू हैव अवर फर्स्ट लाइव क्लास ऑन 15th of April विच इज probably Monday. Then let's discuss the chapter sequence and along with dates, date sheet के साथ। मैं एक बात इसके पहले ये बता दूं कि आप ये कहीं से भी ये doubt मत लाना मन में कि सर ये 10 lecture में ये चैप्टर हो जाएगा। आप पढ़िएगा या जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ाई करी है उनसे पूछिएगा कि 10 lecture में कोई चैप्टर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, और जगह जहाँ भी आप पढ़ते हैं या सुना है या देखा है, तो सबका तरीका अपना अपना होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से मत जज करिएगा कि अरे आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ 12 lecture में हो जाएगा। ये सब चीज़ें जज मत करिएगा, हम पढ़ा रहे हैं टॉप लेवल की चीज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टॉप लेवल की चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है किस टॉपिक को कितने लेक्चर्स में पढ़ाना है,
हाँ, अगर कोई टॉपिक छूट जाए कोई भी बुक का या फिर कोई भी मॉड्यूल की जो टफेस्ट एक्सरसाइज है उसका जो टफेस्ट पोर्शन है अगर वो हमारे लेक्चर्स में कवर ना हुआ हो तब आप जरूर पूछ सकते हैं, सर ये कवर नहीं हुआ, देन आई विल बी आंसरेबल। ओके, अदरवाइज आप पहले पूरा पढ़िए उसके बाद ये सब चीजें ध्यान में लाइएगा। चलिए तो मैं पहले चैप्टर्स आपको बताता हूँ। सो विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम 15th अप्रैल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो हमारा जो 15th अप्रैल से 15th अगस्त तक का जो टारगेट हो रहा है, और मैं बता दूं ये मैं ऑनलाइन पहली बार इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक कोर्स हम कर रहे हैं। 23 में हम जूम क्लासेस में पढ़ रहे थे, ठीक है, हम जूम क्लासेस में पढ़ रहे थे, तब हमारी ऐप भी नहीं थी। 24 में हमने एक साल में करा है, एक साल में करा है 24 के लिए, 25 के लिए फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इस तरह से अलग अलग करके किया है, और अभी 26 वाले बच्चों को पहले दिन से लास्ट दिन तक लगभग 2-2.5 साल के लिए लाइव क्लासेस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही प्लान्ड चीज़ें हैं। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है तो आप बिल्कुल एक बार सुने, ज़रूर फॉलो भी करिएगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देखिए तो ये हमारा टारगेट है, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स, फर्स्ट चैप्टर, रेडॉक्स इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स, और मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा भी चैप्टर्स, रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोर्थ पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, एंड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ये टारगेट हमारा रहेगा। अप टू व्हाट? अप टू 15th अगस्त वी विल एम कंप्लीटिंग दीज चैप्टर्स। और मैं बता दूं ये काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं, लाइक केमिकल बॉन्डिंग वगैरह काफ़ी बड़े चैप्टर्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा क्लास 12th का पोर्शन भी मैं 11th में पढ़ाता हूँ। तो ये हमारा टारगेट रहेगा 15th अगस्त तक। देन आफ्टर टिल फ्रॉम 15th अगस्त, फ्रॉम 15th अगस्त टू 15th अक्टूबर विल बी टारगेटिंग 3 वेरी कोर चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज आइडियल गैसेस एंड रियल गैस, सेकेंड इज कंप्लीट थर्मोडाइनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री इंक्लूडेड, एंड थर्ड इज इक्विलिब्रियम, थर्ड इज इक्विलिब्रियम केमिकल प्लस आयोनिक बोथ। सो दीज आर द 3 चैप्टर्स विच आर ह्यूज चैप्टर्स। ओके, दीज 2 चैप्टर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स एंड मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर्स ऑफ योर क्लास 11th, और यू कैन से फॉर योर इंटायर केमिस्ट्री प्रिपरेशन दीज 2 चैप्टर्स आर गोइंग टू बी द टफेस्ट वंस, ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस एज वेल। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 15th टिल 15th अक्टूबर वी विल बी टारगेटिंग दीज चैप्टर्स टू बी फिनिश्ड प्रॉपरली, एंड देन फ्रॉम 15th ऑफ अक्टूबर टू 31st ऑफ दिसंबर 2024 इस समय तक हम करेंगे आफ्टर दिस GIOC Part 1। अब ये GIOC थोड़ा आपको अलग लगेगा, आप अगर NCERT का ऑर्डर देखेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा एस ब्लॉक पी ब्लॉक ऐसे चीज़ें मिलेंगी। तो वो ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको एक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। खैर ये भी चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, इसमें आप उसके लॉज पढ़ते हैं थोड़ा, और फिर कुछ फैक्ट्स, ये एक स्पेशल चैप्टर बना के मैं पढ़ाता हूँ GIOC। तो इसका GIOC Part 1 बोल के मैं आपको क्लास 11th में
इस दौरान पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये इनऑर्गेनिक का इतना ही पोर्शन हम क्लास इलेवेंथ में करेंगे, बाकी का पोर्शन सर ब्लॉक केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ में करेंगे, ठीक है। एस ब्लॉक जो कि हो सकता है आपकी इलेवेंथ की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हो, बट वो हम पोर्शन क्लास ट्वेल्थ में करेंगे, दैट इज अ बेटर ऑर्डर टू डू। इसमें और केमिकल बॉन्डिंग में आपकी बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कवर करने वाले होंगे। आफ्टर दैट आई विल बी डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी स्टार्टिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर प्लस आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में हम कंप्लीट आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, कंप्लीट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी खैर बच्चे 10th टू 11th मूविंग है तो उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा इनके बारे में, बट मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आइसोमेरिज्म का कुछ पोर्शन क्लास 12th में पढ़ाया जाता है कुछ जगहों पर, बट हम जो पढ़ेंगे कंप्लीट आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब कुछ क्लास 11th में ही पढ़ेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद। एंड आफ्टर दैट विल बी डूइंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, which is the core of organic chemistry. कुछ लोग GOC को भी parts में split करके पढ़ाते हैं, GOC 1, GOC 2, इस तरह से। हम parts में लिख नहीं रहे हैं but पढ़ाएंगे सब कुछ, ठीक है, पढ़ाएंगे सब कुछ। तो ये हमारा portion होगा to be covered till 31st of December. So we are targeting to complete our class 11th till 31st of December 2024. बहुत ही अच्छा समय है, आइडियल समय है ये खत्म करने का। फिर क्या करेंगे, फिर हम जनवरी और फरवरी विल बी डूइंग टेस्ट्स प्लस प्रॉब्लम्स रिवीजन, आप ये समझ लीजिए टेस्ट्स एंड रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स। जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े ये दो महीने हम बहुत प्रॉपर, देखो मैं इसलिए आपको कोई पर डे वाला स्केड्यूल नहीं दे रहा हूँ कि इस दिन ये करना है, 5 घंटे हैं तो 2 घंटे ये करना है, ये सब इम्प्रैक्टिकल सी बातें हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा छोटा छोटा टारगेट बना रहे हैं हम, 3 महीने 4 महीने का टारगेट, जो कि थोड़ा रियलिस्टिक भी साउंड करता है। ये एक दिन का टारगेट बना रहे हैं, हर हफ्ते का टारगेट, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बातें हैं, वो नहीं हो पाती, ठीक है। ये जो आइडियल टारगेट बता रहा हूँ ये कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से। मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि एकदम 31st December के पहले चीज़ें हम ख़त्म कर लें, ठीक है। और फिर जनवरी एंड फरवरी विल बी हैविंग टेस्ट एंड प्रॉब्लम्स रिविजन जो भी है ऑफ ऑल द चैप्टर्स। And then from March 2025 we'll be starting further chapters, जिसको आप class 12th भी बोल सकते हैं, further chapters जो हैं। और ये जो further chapters हैं ये मैं आपको इसकी detailing after completion of your class 11th मैं आपको दे दूंगा कि कैसे कैसे करनी है। अभी हमारा यहाँ तक का planner मैंने आपको बिल्कुल present कर दिया है सामने और ये बातें बता दी हैं। अभी कुछ और भी क्वेरीज हैं वो भी मैं लिख के रखा हुआ हूँ, मैं अभी आंसर कर देता हूँ, ठीक है, मैं वो आंसर कर देता हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कुछ रह जाए बातें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी अब बात आती है कि सर हमें बुक्स कौन कौन सी लेनी है, बुक्स कौन कौन सी लेनी है। क्या बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि शुरुआत कर रहे हैं जेई प्रिपरेशन, जाएं कम से कम 10-15 हज़ार की किताबें तो खरीद के ले ही आना चाहिए, है ना, ऐसा लगता है सुन सुन के। तो बुक्स वगैरह आपको अभी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बुक्स वगैरह कुछ नहीं खरीदनी है आपको। बस मैं एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ कि आप ना थोड़ी जेई मेन्स की जो चैप्टर वाइज PYQ है वो रखे रहिए अपने साथ, बस, ठीक है। चैप्टर वाइज PYQs जो है
जो फ्रेश किताब होगी वो ले लीजिएगा एक, ठीक है, जेई मेंस की चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, ये आप रखे रहिएगा मेंस के लिए, ठीक है। और एडवांस के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है, आप जेई मेंस की चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज ये लेकर रख लीजिएगा, चाहे तो मेंस एडवांस दोनों को मिला के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेंस एडवांस दोनों मिल जाए तो ठीक है, मेंस की भी मिल जाए तो ठीक है, एडवांस के प्रॉब्लम्स का क्योंकि हमारा अलग सेक्शन होता है उसमें हम करते हैं। तो ये बुक्स आप बुक ये प्रेफर कर सकते हो। अब एक मैं आपको, आप रख सकते हैं ये किताब आप चाहें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ऑल्दो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ऐप में दिए जाएंगे, ऐप में दिए जाएंगे, बट ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये रख सकते हैं, चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं दे रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं सिर्फ आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। नीरज कुमार बुक आती है, आप इसका या तो सॉफ्ट वर्जन अवेलेबल है, बट आप दो साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हार्ड कॉपी ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ऑप्शनल है ये भी मैं बता दूं, अगर आप ये नहीं भी लेते हैं तो भी आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो PDF के फॉर्मेट में आपको ऐप के अंदर ही मिलेंगे। अब बात आती है कि आपको ना तीन अलग कॉपीज बनानी है, ये बता दूं मैं, तीन डिफरेंट कॉपीज बनानी है, वो ख़त्म हो जाए तो फर्दर उसी को चलाइएगा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री और एक IOC, और इस तरह से चीज़ें चलेंगी। 11th और 12th जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक इस तरह से रहेगा। वो चैप्टर पढ़ाते समय बता दूंगा कि ये चैप्टर किस कॉपी में आपको नोट करके चलना है। साथ ही साथ बात आती है प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स कहाँ से बनाने, कैसे बनाने, वो लेक्चर्स के दौरान बताऊंगा, लेक्चर्स के दौरान बताएंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स अपलोड होंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे समय के साथ साथ, ठीक है। और बुक्स तो मैंने पहले ही बता दिया, बुक्स की बहुत ज़रूरत नहीं है, ये बुक एक लेनी है आपको, ये तो होना ही चाहिए, चैप्टर वाइज PYQs मस्ट है, और ऑप्शनल है, आप चाहें तो नीरज कुमार रख सकते हैं, ठीक है। देन इसमें प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स जो होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसी कोर्स के साथ मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ इस कोर्स के बाद आपको कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ जो कि चाहिए JEE एडवांस में केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा नंबर पाने के लिए, बहुत अच्छा नंबर मतलब 120 में 110 115, अब वो तो बच्चे के स्किल पर भी है कि वो कहाँ तक खींच पाता है, बट टॉप मार्क्स के लिए जो चीज़ें चाहिए सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स मिलेंगे, और ये जो लेक्चर्स होंगे ये मोस्टली एडवांस प्रॉब्लम्स के होंगे, ठीक है, मोस्टली एडवांस प्रॉब्लम्स के होंगे। हाँ, कुछ चैप्टर्स के मैं मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स भी कवर करूँगा इसमें, जो चैप्टर मुझे लगेगा कि हाँ ये चैप्टर में बच्चों को परेशानी हो सकती है। ऑल्दो बहुत सारे अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस हम लेक्चर्स के दौरान ही करते हैं थ्योरी लेक्चर्स के साथ, तो वो जो डिटेलिंग है वो आपको मैं क्लास के दौरान ही बताऊंगा, आप वहाँ पर वो चीज़ें सुनकर कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया, अब एक क्वेरी और आता है, सर डाउट सॉल्विंग, अब डाउट सॉल्विंग वाला क्वेरी आता है, तो इसको भी मेरी बात समझिएगा। डाउट सॉल्विंग के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि लाइव क्लासेस हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं भाई, लाइव क्लासेस हैं, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको अवेलेबल होगा, है ना, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मोस्टली बच्चे रिकॉर्डेड ही प्रेफर करते हैं,
तो रिकॉर्डेड ऑब्वियसली इट विल बी अवेलेबल, सो डोंट आस्क दोज फुलिश क्वेश्चंस. सो लाइव क्लास एक जरिया है डाउट सॉल्विंग का. उसके बाद हम संडेज को डाउट सॉल्विंग सेशंस रख लेंगे. ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशंस रख लेंगे जिसमें आपको थ्योरी से रिलेटेड प्लस प्रॉब्लम्स जो हमने अपलोड किए होंगे, जो प्रॉब्लम्स आपको दिए होंगे, ऑल्दो जो एडवांस प्रॉब्लम्स होंगे उनका तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास होगा ही, बट मान लो मैंने कोई वर्कशीट वगैरह दी और उसमें आपको कोई किसी प्रॉब्लम में डाउट है, तो उसके लिए सेपरेटली हम करेंगे डाउट सॉल्विंग सेशंस. विल बी डूइंग डाउट सॉल्विंग सेशंस ऑन संडे. और ये डाउट सॉल्विंग सेशंस अगर आपके डाउट नहीं रहते तो इसमें हम थोड़ा सा एक आपको मेंटोरशिप भी दे सकते हैं, एक जनरल मेंटोरशिप, जो भी जनरल क्वेरीज आपकी होंगी एक उस तरह से सेशन रख लिया करेंगे कि कोई भी कन्फ्यूजन है पढ़ाई से रिलेटेड आपको, तो उस पर भी हम चर्चा कर लिया करेंगे संडेज को. ठीक है, अदरवाइज लाइव क्लासेस की टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी. तो ये प्रोसीजर है. अब कोई डाउट सॉल्विंग इंजन नहीं है कि आप स्कैन करके क्वेश्चन डालो उधर से सॉल्यूशन आ जाए. और मैं बताऊं, देखो जो आपके बेसिक लेवल के डाउट होते हैं, जो बेसिक सवाल होते हैं, उसके सॉल्यूशंस आपको आजकल इंटरनेट में हर जगह मिल जाएंगे. और जो अच्छे तगड़े डाउट्स होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स होंगे, टफ डाउट्स. अभी क्या है, बच्चों को नहीं होता एक्सपीरियंस, 11th में एंटर कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता. तो मैं जो बड़े बच्चे हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको भी कहूँगा कि ठीक ठाक से थोड़ा सा गाइड करें. जूनियर्स अगर कुछ पूछते हैं तो उनको ठीक ठाक से गाइडेंस दें. क्या है, उनको नहीं पता होता है, फ्रेश जर्नी होती है, शुरू करना होता है उनको, उतना आइडिया नहीं होता है, तो बहुत लोग गुमराह भी हो जाते हैं इधर उधर. तो मैं आपको बताऊं बेटा, ये जो डाउट इंजन है और ये सब चीज़ें, आप आज कोई भी क्वेश्चन आप स्कैन वगैरह करोगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं, उनके आपको सॉल्यूशंस मिल ही जाते हैं. और जो आपके टफ डाउट्स होते हैं, कंसेप्चुअल डाउट्स होते हैं, उनका आप इंटरनेट में कितना भी सर्च वर्च कर लो, वो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स का सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आपके सामने कोई खड़ा है जिसको सब्जेक्ट आती है और आप उससे पूछ रहे हैं. तो इस वजह से मैं लाइव सेशंस अलग कर रहा हूँ, क्योंकि वो सॉल्यूशंस आपको क्वेश्चंस के हर जगह मिल जाएंगे. ठीक है, इतना एडवांस हो चुका है इंटरनेट, सोर्सेज अवेलेबल हैं, वो मिल जाता है आपको. बट उसमें जो समझ वाली पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है, उसके लिए हम ये सेशंस कर रहे हैं. और मैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक प्रॉब्लम्स को उसमें एक्सप्लेन कर करके आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से. और एक चीज़ मैं बताऊं, जो मेरे थ्योरी लेक्चर्स हैं वो जब आप करोगे, तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के कराता हूँ चीज़ों को, कि हाँ बच्चे को ये डाउट आ सकता है, ये डाउट आ सकता है, ये डाउट आ सकता है. तो जो बच्चे में से पढ़े होंगे वो भी इस चीज़ को फील करे होंगे कि मैं खुद ही डाउट रेस करके फिर आंसर करता हूँ, कि हाँ देखो यार यहाँ ये डाउट आना चाहिए. फिर वो डाउट अगर आपके मन में नहीं भी आ रहा है तो भी मैं रेस करूँगा कि हाँ यार ये डाउट आना चाहिए, और उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है. तो इस तरह से थ्योरी लेक्चर्स हमारे रहेंगे. तो मोस्टली डाउट्स नहीं आते, बट फिर भी अगर आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए हैं. ठीक है, और इसमें कोई मैं बहुत ज़्यादा ना पर्सनल डाउट्स नहीं ले पाऊँगा. पर्सनल डाउट्स मतलब कि सर मैंने ये वाले कोचिंग मटेरियल के ये वाले क्वेश्चन मेरे को नहीं बने सर, तो मेरे को बता दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे. तो इस तरह से आपके रैंडम डाउट्स नहीं ले पाऊँगा. जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसमें कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है, या फिर आप ने कोई बहुत अच्छा ही क्वेश्चन भेज दिया कुछ, जो मुझे भी लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़ा बात किया जा सकता है इसके बारे में, वो अलग बात है, रेयर केस. बट मैं ये कमिट नहीं कर रहा हूँ मैं कि हर बच्चे का कोई भी
पर्सनल डाउट होगा मैं उठा के लूंगा, क्योंकि जो मेरा रियल जेई एडवांस सीरीज आप अगर देखोगे यूट्यूब पर है, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना वो मेरे स्टूडेंट्स के डाउट्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो उस तरह से मैं ले लेता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चंस डाउट वाले क्वेश्चन है सर, जैसे कोई कहीं का है कोई, क्योंकि अक्रॉस इंडिया हमारे पास स्टूडेंट्स हैं आज के डेट में, और अच्छे अच्छे जो बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चंस आए, चैलेंजिंग लगे क्वेश्चंस, तो वो फॉरवर्ड करते थे, सर ये नहीं बना, तो मैं बोलता था चलो ठीक है इसको अपन लेते हैं कल रियल जेई एडवांस सीरीज में ये वाला पार्ट। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें बच्चों के द्वारा ही भेजे गए क्वेश्चंस हैं, तो वो अलग चीज है, उस तरह से भी हम चीजों को कर सकते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि प्रॉब्लम्स की आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगे सर वो कैसे कराना है, ये कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं लेक्चर्स के दौरान बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने ये सभी क्वेरीज का आंसर ठीक से दे दिया है, और ये हमारे चैप्टर के सीक्वेंसेस आपको बता दिए हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर 15th of April 2024 से कंप्लीट 2 ईयर लॉन्ग जर्नी फॉर ऑल जेई एडवांस 2026 स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।